हेलो स्टूडेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीपीएड और एमपीएड के एडमिशन के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स की एक लिस्ट आई है जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करी थी और आप लोगों ने वो लिस्ट देख ली होगी। ये देख सकते हैं आप लोग, ये बीपीएड की लिस्ट है, इसी तरह से ये एमपीएड की लिस्ट है। तो इस लिस्ट को लेकर थोड़े से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि क्या ये फाइनल लिस्ट है। तो हाँ, ये फाइनल लिस्ट तो है, इसमें आपके फाइनल मार्क्स हैं, लेकिन ये फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट नहीं है। अभी इसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट आनी है, तो अभी आपको उसका वेट करना है और वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट बहुत जल्द आने वाली होगी। जैसा कि इस वाले नोटिस में आप लोग देख सकते हैं, इसमें कहा गया है कि आपकी जो मतलब फर्स्ट मेरिट के जो मार्क्स हैं और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट भेजी जा चुकी है दिल्ली यूनिवर्सिटी को। तो वहाँ से जैसे ही अप्रूव होता है तो डिस्प्ले होने लगेगा आपको IGPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम लोग कि भाई ये जो लिस्ट आई है आज, इसे स्क्रॉल को आप नीचे करके भी देख सकते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के नाम हैं जो कि एलिजिबल हैं, मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे, एब्सेंट नहीं थे, सारी चीज़ें उन्होंने फुलफिल करी हैं, तो उनके नाम है और उनके टोटल कितने मार्क्स आए हैं वो सब लिखा हुआ है। ये पूरी लिस्ट है, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इस लिस्ट से दोस्तों, ये बीपीएड की लिस्ट है और ये एमपीएड की लिस्ट है, इन दोनों लिस्ट को देख करके आप लोगों को इतना अंदाजा तो हो ही गया होगा कि भाई इस बार जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है बीपीएड एमपीएड की, वो थोड़ी सी हाई जाएगी। जैसा कि पिछले दो साल से कोविड में कट ऑफ बहुत कम जा रही थी, 45 के आसपास जा रही थी, थोड़ी कम ज़्यादा, तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, कट ऑफ हाई जाएगी। जैसा कि 2019 के आसपास आप लोगों ने कट ऑफ देखी थी, थोड़ा उसी के आसपास देखने को मिल सकती है आपको। ठीक है, 52-53 के आसपास आपकी बीपीएड की जा सकती है और एमपीएड की भी थोड़ा इसी के आसपास जाएगी। ठीक है, तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ बातें, ये सिर्फ मैं इस लिस्ट को देख करके बोल रहा हूँ और अभी इसमें बहुत कुछ चेंज हो सकता है। हो सकता है फर्स्ट लिस्ट के स्टूडेंट का BHU में या किसी दूसरी जगह एडमिशन हो गया, वो यहाँ ना लें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आने वाली मेरिट में। तो अभी फिलहाल आपको वेट करना है फर्स्ट मेरिट लिस्ट का और उसमें देखना है कि कितनी कट ऑफ जाएगी। वैसे आप लोगों ने काफ़ी कुछ कैलकुलेट कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अभी लिस्ट का वेट करिए और जैसी ही लिस्ट आती है मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, कोशिश करूंगा कि जल्दी अपलोड कर दूं। और आप लोग भी कनेक्टेड रहिए वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से।